وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه تفسير سورة البينة आयतम पाँच अल्लाह तार फरमाता है कि और इन्हें इसके सिवा हुक्म नहीं दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें इस हाल में कि इस कले दिन को खालिस करने वाले एक तरफ होने वाले और नमाज कायम करें और दें और यही मजबूत मिलत का दीन है अल्लाह में दीन का खुलासा बयान किया कि वो अल्लाह की इबादत करें और इस बात में किसी को शरीक भी नहीं करना जैसे हम सब कलमे का भी यही मानिए जब किसी मुसलमान को जो सॉरी किसी काफ़िर को अगर आपने दायरा इस्लाम में दाखिल करना हो तो उसका आप कलम पढ़ाते हैं क्या कलम है अरशद वाला शरीक क्या मैं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं तो उसके ज़ात में उसकी सिफात में किसी को भी अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना है ज़ात में शर्क क्या करना है कि कोई बंदा ये कहे कि जो ईसी इस्लाम है माजल्ला उनके बेटे हैं यानी कि उनकी ज़ात से निकलें इस तरह हम शर्किन कुछ हैं जो कहते हैं कि माज़ल ला, रसोलम अल्लाह के नूर से निकलें तो ये ज़ात में एक बंदा शिर कर रहा है अच्छा इसके बाद सिफ़ात में क्या सिर्फ सुरतलब्बकर में आजम दो से पचमी मिला फरमाता है अल्लाह कि अल्लाह अल्ला की जो ज़ात है उसको ना ऊँग आती है ना नींद ये अल्लाह की सिफत है ना कि वो हमेशा जाग रहे कोई भी बंदा उसको पुकार रहा है वो सुनता है और देखता भी है कोई बंदा ये कहे कि किसी मरने में के बाद किसी वली के अंदरी सेफता की वो हर वक्त जाग रहा है हर वक्त सुन रहा है देख रहा है तो ये अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहा है सिफात में तो इन तमाम किस्म के शर्क से हमें बचना है इसके बाद कि अल्लाह के लिए दीन को खालिज करने वाले हों क्या माननी है कि रियाकारी से हों जैसे नबी सलील वसलम ने फरमाया सही दी से जिसने दिखलावे की नमाज़ पढ़ी जिसने शिरक किया है ये शिरक के असगर की किस्म है कि इससे इंसान मेरे ख़ारिज नहीं होता लेकिन फिर भी ये शिरक है कि वो शख्स अल्लाह के लिए भी नमाज़ पढ़ा और साथ उस बंदे को भी खुश करने के लिए नमाज़ पढ़ा है इस तरह कोई भी अमल हो ये, ये सिर्फ नमाज नहीं तो मिसाल दी गई है कोई भी अमल नबीर शख्स बीबी से सुन सलूक कर तो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा शोर हूँ कि मैं बीवी से सुन सलू कर नहीं अल्लाह के लिए लोगों के लिए नहीं तीन को अल्लाह के लिए खालिज करना है इसके बाद एक तरफ होने वाले और नमाज कायम करें दीन स्ल में जहाँ भी हुक्म दिया गया हदीस में हो और कुरान मजिद की आयात हो उसमें आकीम उत हो तो ज़क़त यानी कि नमाज को कायम करना है ये नहीं कि पढ़ना है और फिर छोड़ दी पढ़ी फिर छोड़ दी कभी पढ़ी कभी, पढ़ी, कभी छोड़ दी नहीं उसको कायम करना है हाँ ये हो सकता है कभी कभार इंसान से मजबूरी में बीमारी में इसकी पोजे या ऐसा लगता आ जाता है कि इंसान बिल्कुल ही उससे पढ़ने से आ, 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 वो मजबूर हो जाता है तो वो कभी कभार ऐसा होता है लेकिन कायम करना कि उसको छोड़ना ना फिर ठीक है एक होता है इंसान जान के छोड़ के नहीं जी बस मैंने तीन पढ़नी दिन में मेरे से बाकी नहीं पढ़ी जाती कि जान बुझे छोड़ना कुफर है एक होता है इंसान से छोड़ गई जैसे नबी सलम से जंग के दरम्यान असर की नमाज छोड़ गई थी क्योंकि अगर वो उस वक्त जंग ना करते तो फिर सॉरी uh, नमाज पढ़ते तो फिर वो दुश्मन के हमले का खौफ था तो नमाज को कायम करना कि वो छूट रह ना पाए इसके बाद कि किल्ला का यही मजबूत मिलत का दीन है यानी कि दीन का असल ख़ुलासा यही है बातें जिनके किस्म के दीन की बुनियादें हैं इसके बाद भी दीन है लेकिन ये कि ये एक उसकी मेन बुनियाद है अगर ये कमज़ोर हुई तो फिर दीन किन चीज़ों पर ठहरेगा जैसे एक सतून होता है ना कि अगर वो सतून ही कमज़ोर है तो ऊपर जो इमारत है वो ठहरती नहीं है वो गिर जाएगी तो अगर ये सतून मजबूत होंगे दीन इस्लाम के तो बाकी जो दीन है वो भी इसके ऊपर ही ठहरेगा ऐसे अल्लाह तौर ने यही के सवाल रखना है हमारे सामने हम क्या दिन के नमाज के बारे में क्या दिन सबसे पहला जो सवाल है वो नमाज का होगा और नबी सल्लाए जिसने इसकी नमाज़ देने के लिए उसके बाकी माल भी फिर उसी के मुताबिक होंगे तो ये नमाज़ सबसे अहम चीज़ है इसके बाद अल्लाह फरमाता है आतंबम्बर छः में कि बेशक वो लोग जिन्होंने अहले किताब और मशरकिन में से कुफ़र किया जो की आग में होंगे इसमें बेश रहने वाले यही लोग मखलूक सबसे बदतर हैं इनके अल्लाह फरमा रहा है कि इनके सामने वाजिया आयात पहुँच गई नबी इसम दर में महबूस किए गए वो इनको कुरान जीत की आयात पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और वाज़ मजात भी दिखाते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ क्योंकि अल्लाह तो ताली ये मवजा बयान करता है क़ुरान जीत में कि नबी सलाम पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी हमने आपको कुरान पर नाजिल किया आप पर और इनको कुरान पढ़ पढ़ कर सुना था ये ना का मुआवजा था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे उम्मीद थे लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कुरान नाजिल किया और ये मौजा था लोगों को दिखाने के लिए कि देखो एक शख्स जो पढ़ा लिखा भी नहीं था वो आज तुम्हें अल्लाह की ऐसी आजाद पढ़ कर सुनाता है कि जो शख्स सुनकर हैरान हो जाते हैं यानी कि हती के जो शायर हैं जो अरबी के वो कहते हैं कि ये जो कुरान है किसी बंदे का कलाम नहीं हो सकता जिस तरह जिस तरह की अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं कोई शख्स इसको अरबी आती हो वो ही समझ सकता है कि इस कुरानी मजीद में किस तरह किसका जो अंदाजा भी है वो कितना आला है तो फिर भी उन लोगों ने कुफर किया इस नबी इस ईमान नहीं लाए तो ये बदतरीन लोग हैं जैसे में भी फरमाता है कि ये लोग जानवरों की तरह बल्कि इनसे भी बेहद गुमरा क्योंकि जान बुजार की मखालफत करते हैं इस तरह इसको समझिए कि एक जानवर है और उसको तो पता ही नहीं है आप बेश जैसे कहते हैं गधे पे किताबें ला दें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको समझने की सलाहियत ही नहीं उसके अंदर लेकिन जानवर से भी बदतर है क्योंकि इनके अंदर समझने की सलाहियत है फिर भी हक से मुंह मोड़े हक से मुखालफत कर रहे हैं तो ये जानवर से भी बदतर है जबकि अगली दो हाथ में जो लोग ईमान माया नबी पर उनके लिए पेशारती हैं और फजाइल बयान फरमाता है आयत आदमसाद में बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नए कमल किए वही मखलूक में सबसे बेहतर हैं आयत रायम आठम तला फरमाता है और इनका बदला इनके रब के यहाँ हमेशा रहने के बाग़ात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं हमेशा इन हमेशा इसमें रहेंगे और अल्लाह ताला इनसे राजी हो गए अल्लाह से राजी हो गए ये शख्स के लिए जो अपने रब से डर गया यानी कि ये उन लोगों की सिफात बयान की, की गई हैं एक दर्ज तो वो हैं जो मशरकिन या काफिर जो ईमान नहीं लाए ये उन लोगों की सवाद भी बयान की गए जो दसम पर ईमान ले आए और फिर उन्होंने नेक अमाल भी किया है इनके खाली ईमान आना जरूरी नहीं है साथ उसके नेक अमाल भी जरूरी है तो इन लोगों पर भी क्या अल्लाह तैयार की इनामत है अल्लाह तक कहा कि ये मखरूक में सबसे बेहतर हैं फिर इनके ऊपर मजीद जो तो अल्लाह की नमत है कि अल्ल तरमा कि इनके लिए जहने के बागात हैं जिनकी जन्नत जिनके नीचे हमेशा नहरें बहती हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे फिर एक और उनके लिए नियमत तो अल्लाह की कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया वो अल्लाह से राजी हो गए यानी कि अल्लाह तौर ने उनको सबसे बेहतर मखलू कहा और वो जन्नत में दाखिल होंगे उनका ठिकाना जन्नत है और फिर अल्लाह तौन तो से राजी हो गया ये वो उन लोगों के लिए नाम अल्लाह की तरफ से जो लोग नरूल वसम के पर ईमान लाए और उनकी अतात की और कुफर ना किया शिरक से बचे तो अल्लाह ताला की तरफ़ से उन लोगों पर इनाम है कि हमेशा वह जन्नत में रहेंगे अल्लाह उनसे होकर मखलूक में सबसे बेहतर है अल्लाह ताला हम सबको इन आयात से समझने की तफीक फरमाए इन पूरी सूरत से ही सबक नहीं मिलता है कि जो जब हमारी तरफ़ हिदायत आ जाए इसी सूरत का नाम ही भाई है भाई ना कि वाज दलील आ जाए हमारे पास तो कभी भी हक का इनकार मत करें कोई हदीस आ जाए कोई आयत आ जाए चाहे हम किसी भी फिरकी के खिलाफ हो हमारे बावजदाद बाप दादा हमारे मौलवी इमाम बहुत बड़े आलिम के खिलाफ हो अगर वो हदीस आ गई है तो उसकी उसको कबूल करें इनकार मत करें वाज दलील का क्योंकि इसी, में में इसी के आत्मा चार मई इसी जिक्र है कि वो लोग सिर्फ आपस की जो हर धर्मी है और ज़िद्द है उसकी वजह से फिर फिरके बन गए फिरके बने बनते इस वजह से हैं जब एक शख्स के पास दलील आए तो क्या मैं तो उसको नहीं मानता तो मैं तो अपना उसी उसी वक्त से दो फिरके बन जाएंगे उसी वक्त और वह फिर उप, वो अपना फ़िरका लेके चलेगा और फिर वो फिरका ठहरता नहीं है वो आगे निकलता जैसे आप देख लें अफ्रीका हनफी है इधर पाकिस्तान में उसके कितने फिरके बन गए पहले उससे बरेलवी फिरका निकला फिर उससे देवबंदी फिरका निकला फिर उससे का भी निकले तो आप लोग सिर्फ इसी पे रहें किताबों सुनत ठीक है इमाम मुनीफा राम मजहब तक किताबों सुनत उन्होंने कहा कि जो हदीस है वही मेरा मजहब तक यहाँ तक का कि जो हदीस वही मेरा मजहब है तो ये इमाम मुनीफा के मजहब मज़हबे भी चलना फिर वो भी इनका उनका मज़हबों सुनना है सहाबा का मनहज भी जो वो भी किताबों सुन पर चलना था और यही मनहज हमें इसको फॉलो करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किताब्त उसके खिलाफ किसी की भी बात आ जाए उसको छोड़ दें और फिर बंदी से बचें और रसोल्लम की मुखालफत से उससे बचें और जो अल्ल्ह ने नाजल किया है क़र मजीद में उस पर ईमान लाएं और जो वल्लम की सुन्नत सेबित होदी सही हदीस से उस पर ईमान लाएँ उसके कबूल करें यही जनजात का रास्ता और इन्हीं लोगों पर अल्लाह तैयार ने नाम किया लेकिन जो आखिर में इनको जन्त का जन्नत की विशारे दी गई है वो कौन लोग जो भी रसोल वल्लम पर ईमान लाए और अल्लाह की किताब पर और उन्होंने कमाल भी किए तो अल्लाह ताल तो उन्हीं लोगों में रखे हैं जिन लोगों पर अल्लाह ने ये इनामात किए हैं